चलो बच्चों, कैसे आप सब? आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर एक से स्टार्ट करते हैं। 135 और 225 का कौन सी करेंगे? एल्गोरिथम विधि से मसा निकालेंगे। कौन विधि से? एल्गोरिथम विधि से। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई करते हैं, भागा देते हैं। 135 से 225 में भागा दीजिए। क्या बार में करेंगे बोलो? एक बार में कितना होगा? 135 घटाइए 0, बोलेगा साथ में कितना होगा? 0 और एक पैसा लेंगे। 12 में से 3 जाएगा 9, देखा जाएगा ना? यस सर। ये देखिए 90 से 135 में, और वीडियो में भी देख रहे थे ना, था बढ़िया से? यस सर। एक बार में 90, 45 बचेगा? यस सर। 90, दो बार में ना 45 दूने 90 कट गया। अब देखिए सॉल्यूशन करिए। ए का फार्मूला कुछ होता है बीक्यू प्लस आर, बोलता ना का दूर? ए का कुछ होता है फार्मूला बीक्यू प्लस आर। तो देखिए ए के नाम पर रखिए, पहले कितना है? 225 चलो जी। और बी के नाम पर कितना है? 135 गुना कितना है? एक प्लस 90। और फिर किसको लगेंगे? किसको खींच के? 135 नहीं, 90 लगेंगे ना? 135 90 अब गुना कितना होगा? एक। अब प्लस कितना है? 45। अब देखिए, अब एक किसको खींच के लाओगे? 90 को 90 अब प्लस 45 अब गुना 2 अब प्लस 0। अब बोलिए इसमें एचसीएफ कौन होगा? बोलना तो लोग कस कस ठीक ना। देखो सेकंड क्वेश्चन दूसरा नंबर 196 और 38,220। तो सबसे पहले 196 से करिए भाग, इसमें 196 से करना है 38,220। क्या मतलब है आप सोचो तो? 10 मतलब लगाइएगा ना? 196 क्या मतलब है? एक मतलब क्या आ रहा है? तो कितना बचेगा? जल्दी सोचो, घटाओ जल्दी। बेटा ये 45 लिखेगा तो कितना बचेगा? 12 बराबर में कितना है? 4 बचेगा कितना? 7 17 17 में कितना हो जाएगा? 9 घटेगा सर, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा, हां 6 और ये कितना? 17। हां 17 में कितना हो जाएगा? और 8। और ये 2 बच गया ना बुआ, 2 में से जा रहा 1 का 1, और 12 से कितना होता है? 2। क्या मतलब है ये? देखो चक्कर के बोलो, 9 मतलब लगाइए 1764। क्या मतलब है? 9 मतलब है तो घटाइए आपको 2 में, देखिए 2 में से तुम्हें घटेगा क्या? 4 में से 4 और ये तो कितना बचेगा? 5 5 15 15 में से 6 जाएगा 9 7 और 7 में से तो ये 0 कट गया ना? 5। अभी कौन उतरेगा बगल से? 0। क्या मतलब लगाइएगा? 5 मतलब है 2 आएगा 980 कट गया। अब एल्गोरिथम विधि से सॉल्व करिए। फार्मूला बोलेगा ए बराबर ए बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, और ए कितना है? देखिए कितना 38,220 बराबर 196 196 बोलो कस कस बता दो। 195 प्लस कितना? प्लस 0 प्लस 0 होगा? जीरो है? हाँ सर जीरो। अच्छा हाँ सही है। तो इसमें एचसीएफ आपसे पूछा गया था कितना होगा बताइए तो? एचसीएफ कितना? एचसीएफ इक्वल टू 196, क्योंकि एचसीएफ में एक वर्ड भी दिमाग में फर्स्ट टेबल आंसर होता है ना? यस सर। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन वही है ना? यस सर। अच्छा अच्छा तीसरा नंबर देखिए, एनसीईआरटी से पक्ष सोल्यूशन देखे वॉल में भी ठीक रहेगा ठीक ना? तो मिटा रहे? यस सर। साफ सर।
एक का क्वेश्चन करके बना देंगे ना, सबको एक क्वेश्चन बताने को पाएंगे तो समझ लीजिएगा। हर के घर में वाला था तीसरा नंबर क्वेश्चन और तो साढ़े सात और 255 भाग करें 255 से करेंगे किसमें 867 में के बार में सोच के बताइए तीन बार में लगता है तीन बार होगा ना यस सर तीन बार में तो तीन बार में देखिए कितना लगा बोलिए 700 गुना करिएगा देखिए 5 दिया 15 के 5 बाकी 1 5 दिया 15 16 6 बाकी 1 आती नहीं छावे सात सात तो पहले ना यस सर यस सर सात में से कौन जाएगा दू बोलेगा तो सात में यस सर और एक कितना बचेगा जीरो जीरो और ये मतलब एक दिक्कत है नहीं सर इससे इसमें करिए 255 से है ना यस सर क्या बार में करिए दो बार में दो बार 204 ये कटेगा यस सर यस सर और एक बचेगा यस सर लेकिन ना बचेगा कौन से और ना कौन से 102 में कटेगा ना बुआ यस सर मतलब है मतलब में कट जाएगा खत्म यस सर 102 कट गया यस सर यस सर और भी से सॉल्व करें यस सर ए का फार्मूला बोलो बी क्यू पर ए बराबर बी क्यू तो ना सर अब देखिए ए के बराबर कितना हुआ 800 255 अगर किसको लगेगा आगे 102 51 गुना 2 प्लस 0 एक्सेप्ट कितना होगा 51 बोलिए तीनों क्वेश्चन बन गया बोला सर सर कोई दिक्कत है नहीं सर ठीक है वीडियो को लास्ट करते हैं लास्ट करिए वीडियो को